ब्लड सर्कुलेशन दिखाने के लिए हमने एक आईवी सेट यूज़ किया और सिरिंज, ठीक है। तो हमने इसके एक एंड से ये जो इसका पार्ट था हमने वो कट कर दिया और एक एंड से हमने जो इसकी नीडल थी वो हटा दी, तो हमारे पास दो एंड बच जाते हैं, एक जो जाएगा बॉटल में और एक जो लगा है हमारे सिरिंज में। हमने ये जो दूसरा जहाँ पर नीडल थी वो हटा दिया और अब उसको यहाँ सिरिंज में लगा दिया, तभी ऐसे वर्क कर सकते हैं आराम से। तो अब हम इस एंड को अब हम बॉटल में डालेंगे। अब मैं इसे नॉर्मल बॉटल यूज़ करूँगा, ऐसी कुछ इस तरह का इसका जो कैप है, तो मैं इस कैप के अंदर इस एंड को इसके अंदर डाल दूँगा, जिसकी वजह से एक काम करने लगेगा ब्लड सर्कुलेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी चीज़ जो मैंने बना लिया है, ये रहा जैसे, तो ये है टोटल ये हमारी सिरिंज, एक पार्ट इसमें लगा हुआ है और एक दूसरा पार्ट इसके अंदर है, ठीक। और इसको हमने रेड कर दिया पानी को, तो इसको जब मैं खींचता हूँ ऐसे तो ये पूरा से यहाँ से रेड कलर के ब्लड दिखाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन में हमें दो चीज़ें अच्छी होती है, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड। तो उसको हम ऐसे अलग अलग बॉटल्स दिखाएंगे, एक में ऑक्सीजनेटेड आएगा और एक दूसरी बॉटल हम जो बनाएंगे वो होगी डीऑक्सीजनेटेड। अब इसको हम दोबारा डाल भी सकते हैं, तो इस तरह हमने ये बनाया, एक आईवी सेट, सिरिंज और एक बॉटल, तीन चीज़ों से आपका ये बन जाएगा और आराम से चलने लगेगा। तो हमने एक आईवी यहाँ पर लगा दिया, एक सिरा इधर है और एक हमने इधर निकाल दिया, ठीक। तो हम इसको लगाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि थर्मोकॉल है तो रफ़ रहता है बीच में से, तो कहीं पर ये डालते वक्त अटक सकती है, तो आपको जस्ट यहाँ पर देख लेना है कि वो कहाँ कहाँ जाएगी और वहाँ पर एक बार एक कट लगा लेना, ठीक। तो कट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ जाएगी और आप उसको आराम से स्लाइड कर सकते हैं, बाद में आप इसको टेप कर दोगे जिसकी वजह से वो हिलेगी नहीं। तो थोड़ा बहुत यहाँ मैं टेप लगाता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि निकल सकता है तो वहाँ मैं हल्का सा टेपिंग कर दूँगा, ठीक। अब हमें लगानी है दूसरी, एक तो इधर से हो गई जिसमें हमारा रेड फ्लूड जाएगा, एक होगा यहाँ पर जहाँ पर हमारा ब्लू फ्लूड जाएगा, यहाँ से इधर निकलेगा तब इधर, तो हमें कुछ इस तरह ही लगाना पड़ेगा। अब देखो जब मैं ऐसे करूंगा तो ये बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, तो हमने जो एक कट लगाया ना इसलिए लगाया कि ये यहाँ से ऐसे स्लाइड करेंगे तो ये आगे बढ़ते जाए।
क्योंकि थर्माकोल बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाता है जब हम काटते हैं, और जो आईवी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रह जाती है, जिसकी वजह से कहीं भी उसे रिस्ट्रिक्शन मिलती है वो वहीं मुड़ जाएगी। और ये अगर गंदा भी हो जाता है तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो स्टिकी होना है, ये तो वैसे ही छूट जाएगा। सो हम यहाँ से ये बस पूरा मत काटना क्योंकि निकलेगा एक बार, तो हमारा जो बेस है वो भी दिखने लग जाएगा। मैं देख लेता हूँ, और यहाँ से अब आप बस थोड़ा वहां से टाइम भी रहेगा। टाइट है, मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब ये दो जगह से निकल चुकी है, एक मिनट, ये दो जगह से निकल चुकी है हमारी। अब निकलते हैं लास्ट, अब यहां से हमें इधर निकालने, तो ये है हमारा इधर की तरफ, तो अब इधर कट लगा लेंगे, जो कि है ये देख के कट लगाएंगे जहाँ पर आपने बनाया था। बस इसको बस यहाँ से डाल देंगे एक बार, बाद में आप इसको टेपिंग कर दें। अब आपके पास भी हो चुका है, एक ही भी वेन डल चुकी है, एक इधर से भी डल चुकी है। अब आपको एक सिरा पहुंचाना होगा लंग्स की तरफ, और एक जो हमारी बॉटल में लगेगा वो पीछे चल जाएगा।